जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं या जितने भी करंट क्रिकेटर हैं या जो भी क्रिकेटर है पाकिस्तान का, वो फुदड़ है, वो घंटा है, वो छनकना है, क्योंकि ये इस तरह की बातें करते हैं जो रियलिस्टिक टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये फजूल बकबक करते हैं। और ये ऐसी ऐसी कभी कभी तो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि यार एक हेटर भी ये सोचते कि यार ये तो बात है ही चवल। और आज भी कोई ऐसी बात की है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने। और आपको पता है, आपको पता है कि जब भी इन लोगों को थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है, थोड़े से व्यूज चाहिए होते हैं, थोड़ा सा फेम चाहिए होता है, ये विराट कोहली को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उनको इनको पता है कि वो क्रिकेट का अब्बू है, क्रिकेट का अब्बू है, वो फादर है क्रिकेट का, बाप है इनका भी और क्रिकेट का भी। वो ये सबको पता है कि यार उसको उसका पकड़ के लटक लेंगे ना तो काम चल जाएगा। और सहारा किसका लेते हैं साथ? इस जिम्बू आजम का, इस बोबजी घंटे का, जो मतलब जो कहते हैं ना कि जो मतलब बिल्कुल ही फारग है, जो बिल्कुल ही फारग है, मतलब एक बंदा जो कभी आज तक किसी आईसीसी टूर्नामेंट में एक शो भी नहीं कर सका, ठीक है, उसका कंपैरिजन इसके साथ ठोक देते हैं। मतलब अजीब फुदड़ किस्म की ये वाम है। बात करते हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने, जब वो विराट कोहली और बाबर आजम को एक बार फिर बोल दिया, वर्ल्ड कप से पहले विराट को ट्रोल किया उसने और बाबर आजम को बोला है कि जी बाबर आजम बेटर प्लेयर है विराट कोहली से, और ये वर्ल्ड कप जो आ रहा है T20 का वर्ल्ड कप, इसमें बाबर आजम आपको अच्छा खेलता हुआ नजर आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। और रमीज राजा, ये वो रमीज राजा है जो वो कहते हैं ना थूक के चाटने वाली बात कर, थूक के चाटने वाला काम ये ऑलरेडी कर चुका है। रमीज राजा पाकिस्तान का चेयरमैन था, इसने इंडिया के अगेंस्ट बड़ी बकवास की, बड़ी फजूल बातें की, और ये बंदा फिर इंडिया में जाके इंडिया में वर्ल्ड कप की कमेंट्री करता रहा, मतलब थूक के चाटा। वो कहता ना जहां जहां खाया वहां ही थूका, मतलब ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते, आप इधर से अंदाजा लगा ले। रमीज राजा ने एक बार फिर इंडिया और आईपीएल को ट्रोल कर दिया पकड़ के, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर आपको पता है कि आईपीएल छोड़ के वापिस आ चुके हैं इंग्लैंड, रमीज राजा ने पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया। तब ये जी भी किसी फुदड़ किस्म की अवाम है, ये घंटा अवाम है, और मतलब इन लोगों में नहीं यार सेंस है, लगता ही नहीं कि यार कभी क्रिकेट खेले भी हुए हैं, कभी लगा ही नहीं है। अगर मैं सबसे पहले पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की बात कर लूं, सुकलैन मुश्ताक, आपको पता है सुकलैन मुश्ताक बॉलर तो अच्छा था, स्पिनर तो अच्छा था, पाकिस्तान का तो बड़ा नाम है, वर्ल्ड क्रिकेट में भी देखो तो ठीक ठाक नाम है, लेकिन बातें चवल की है इस बंदे ने, बातें फजूल की हैं इस बंदे ने, ऐसी बातें की हैं जो मेरा दिल करे मैं पकड़ के इसको बजा दूं पकड़ के, कि यार तू इतना इतना तेरे में कॉमन सेंस नहीं है कि तू लाइव टीवी पे बैठ के ये कह रहा है कि बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, कह रहा है इस टाइम करंट परफॉर्मेंसेस की मैं बात करूं तो बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से बहुत आगे जा चुका है। मेरी एक बात सुनो, बहुत आगे तो छोड़ दे तू, बहुत आगे, अभी पीछे थोड़ा सा पीछे चला जा, अभी ये वर्ल्ड कप गुजरा है, बाबर आजम ने कितने 100 मारे हैं उस वर्ल्ड कप में, कितने रन हैं बाबर आजम के कोई रन होंगे, कोई क्या रन है, कोई 200-250 रन थे उसके, विराट कोहली 765 समथिंग इतने थे। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन कर दिए इंडिविजुअल, और किसी का अब्बा भी वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता आगे। और तू उस क्लैन मुश्ताक फुदड़ घंटे ये बात कर रहा है कि विराट कोहली से बेहतर प्लेयर नहीं, बाबर आजम बेहतर प्लेयर है विराट कोहली से, और इस वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम विराट से बेहतर करेगा। मतलब तेरे पास कौन सा ये एक वो कहते हैं ना कि कौन सा ऐसा पड़ा हुआ है जिससे तू देख पा रहा है कि बाबर बेहतर कर। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं वर्ल्ड कप जब आया था ना, गौतम गंभीर ने ये बात की थी, गौतम गंभीर आपको पता है उसने ये बात की थी कि सर बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप में विराट कोहली से बेहतर खेलेगा। और आप देखो
विराट ने फिर जो किया था वो पूरी दुनिया के सामने है। विराट उस वर्ल्ड कप में ऐसा ऐसा जख्मी शेर बना हुआ था कि वो सबको मार रहा था, उसने सबको मारा है, सबकी मारी है। लेकिन चलो गौतम गंभीर ने बोल दिया, ठीक है उस टाइम था वो, एक ठीक है बात समझ आती है। भाई तू किस बेस पे ये बात कर रहा है कि बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है और एक करंट अच्छा चल छोर कह रहा है जो करंट परफॉर्मेंसी है ना, करंट अभी की, वो बाबर की बेहतर है विराट कोहली से। यार बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है, 2023 एशिया कप बुरी तरह फ्लॉप, 2023 वर्ल्ड कप बुरी तरह फ्लॉप, ऑस्ट्रेलिया का टूर बुरी तरह फ्लॉप, न्यूजीलैंड का टूर बुरी तरह फ्लॉप, घर में बुरी तरह फ्लॉप, घंटा परफॉर्मेंस है उसकी, एक छलकना कर रहा है वो। विराट कोहली उधर आईपीएल में उसने तबाही मचाई हुई है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचा के रखता है, टेस्ट का वो गोट है, वनडे का वो गोट है, T20 का वो गोट है, आईपीएल का गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर क्रिकेट हैज एवर प्रोड्यूस, इससे बेहतर प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री में आया नहीं है, और तू टकले 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 तू बैठ के ये बकबक कर रहा है कि विराट कोहली तो भाई कुछ भी नहीं है, विराट कोहली तो वर्ल्ड कप में कुछ करेगा ही नहीं। चल छोड़ दे, तुझे भी पता है, हो पता है तुझे पीछे तो नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं तेरे पीछे डालूंगा। 2022 एशिया 2022 वर्ल्ड कप तू उस टीम का हेड कोच था जिस टीम को कोहली ने पेला था मेलबर्न में, MCG में जिस टीम को विराट ने पेला था ना, तू उस टीम का हेड कोच था पाकिस्तान का, स्क्लैन मुश्ताक की बात कर रहा हूं मैं, याद है ना 31-4 बड़े टांगे उठा के तू बैठा हुआ था, यही है ना वो कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। तो बेटा फिर विराट ने तुझे दिखाया था ना कि कुदरत का निजाम क्या होता है, 31-4 के बाद वो ऐसा मैच लेके गया था कि बेटा आपके शटे टाट आपकी चड्डियां गीली, कांपे टांगना शुरू कर दी थी आपकी, ठीक है। उसने अपनी ग्रेटनेस का बताया था कि बेटा मैं बाप हूं क्रिकेट का, जितनी मर्जी मेरे आगे प्लानिंग ले आओगे बत्ती बना आगे पीछे दे दूंगा, ठीक है, मेरे आगे आपने जो है वो ये उस्तादी अपनी नहीं दी, नहीं दिखानी। फिर इसने एक और भी साथ बात की है कि शदाब खान इज बेटर देन रविंद्र जडेजा। शदाब खान तो फिर भाई वो तो बात करेगा ना, इसकी बेटी के साथ शदाब की शादी हुई है तो शदाब का तो ये क्या बोला ससुर लगा, तो भाई फिर शदाब की तो ये बात करेगा। लेकिन देखो डिफेंड करना मुझे लगता है, अब रविंद्र जडेजा एक 3D प्लेयर है, फील्डर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, वो टेस्ट का बेहतरीन बॉलर है, वो तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बॉलर है। शदाब खान तो सिर्फ T20 में आजकल फिट रहा है, वो आयरलैंड वालों ने इतना मारा है कि बाबर घंटे ने उसका वायर बिठा दिया, तो बेटा तू बैठ जा तेरे से कुछ नहीं आने वाला, तू वर्ल्ड कप में जा, क्योंकि तू अगर इधर पिटता रहा तो तू वर्ल्ड कप से बाहर होएगा, दोस्ती यारी भी तो मेरे बॉब्जी ने कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है ना। तो भाई ये क्या बात थी कि जी रविंद्र जडेजा से बेहतर प्लेयर है शराब, ये मतलब फजूल बातें हैं। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर नशा करके बैठे होते हैं, इन्होंने भंग पी होती है या पता नहीं इनको घर वाले रोटी नहीं देते खाने के लिए, वैसे भी रोटी की पाकिस्तान में आपको पता है कि कमी चल रही है, आटे की कमी चल रही है, आटे का जो है मसला चल रहा है। लेकिन बात करने का मकसद यही है ना कि यार ये थोड़ा सा आप मतलब बात वो किया करो ना जो अगले को भी समझ आ रही हो, आपको हेटर भी देख रहा होगा ना वो विराट का, तो वो ये बात सोचेगा कि यार ये तो चवल मारी है इसने कि विराट कोहली कहां से, बाबर आजम कहां से बेहतर हो गया। मतलब ये बाबर आजम को ये कर करके तूने, आप लोगों ने इतना उसको वो पंजाबी जी ने बता दिते है ना कि वो बिल्कुल ही अब रन नहीं करता, बिल्कुल ही वो फारग हो गया वह, कोई भी बंदा उसको आके आराम से उठ करके चला जाता है, ठीक है। और फिर रमीज राजा पे आ जाते हैं, इसका जरा मैं थोड़ा सा इसको जरा मैं छुरी जरा लगाऊं, इसको जरा मैं जबा करूं। ये बंदा 2017-18-19 इस बंदे ने बाबर आजम पर इतना क्रिटिसिज्म किया, इतना क्रिटिसिज्म किया, मैं भी करता हूं, मैं पॉइंट पे करता हूं बाबर आजम पे, और मैं जब तक वो पाकिस्तान को कुछ ऐसा नहीं करके देगा वर्ल्ड कप में मैं करता रहूंगा। आजकल रमीज राजा आपको पता है कि बाबर आजम की गोदी में बैठता है, बड़ा बाबर बाबर कर रहा होता है, कह रहा था कि जी बाबर अगर लड़की होता तो मैं बाबर से शादी करता, ठीक है। वो रमीज राजा 2017-18-19 में बाबर को ट्रोल करता रहा, फिर आजकल वो बाबर बाबर कर रहा है, हर जगह बाबर बाबर लेप रहा होता है। वो रमीज राजा जब चेयरमैन था उसने इंडिया को ट्रोल किया, इंडिया को धमकियां लगाई कि वर्ल्ड एशिया कप खेलें पाकिस्तान आओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ये फिर रमीज राजा
उधर इंडिया में जाके कमेंट्री करके उनके पैसों पे पलता रहा। अब वही रमीज राजा दोबारा, वो कहते ना जहां खाया वहां थूका, मतलब ना काम का ना काज का, दुश्मन नाच का। अब वही रमीज राजा आईपीएल को ट्रोल कर, इंग्लैंड प्लेयर आपको पता है कि आईपीएल छोड़ के नेशनल ड्यूटी पे वापिस आ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, नेशनल ड्यूटी कंट्री फर्स्ट आती है, अब जाओ खेलो कोई बात नहीं। और भाई मेरी बात सुन, रमीज राजा पता क्या कह रहा है कि पीसीबी को रिवार्ड देने चाहिए इंग्लैंड प्लेयर्स को कि उन्होंने आईपीएल के ऊपर लात मारी है और वो आईपीएल छोड़ के पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए आ गए, कि उन्होंने इतनी ज्यादा तरजीह दी है कि पाकिस्तान से खेलेंगे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। पाकिस्तान से कौन सा सीखने को कुछ मिलेगा मुझे ये बता। अब भाई फुदड़ है वो, अपनी 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 वो प्लेइंग 11 सेट करने आए हैं कि वर्ल्ड कप से पहले हम टीम में जल हो जाए, थोड़ा बहुत नए लड़के आए उनको थोड़ा सा जल कर ले। पाकिस्तान को कौन सीरियस ले रहा है? आयरलैंड हमें पेल रही है 170-180 नबे वो रन हमें मारे अगेंस्ट कर रहे हैं, और तू टकल तो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान को वो सीरियस ले रहे हैं और पीसीबी को रिवार्ड देना चाहिए इंग्लैंड प्लेयर्स को। बेटा अभी मेरी बात सुन, अभी इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज होगी ना, जितना इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पेल ला ना वो रिवार्ड ही होगा, वो रिवार्ड ही है, देखना वो बेटा। ये तो आयरलैंड थे ना 170-180 मार रहे थे, बेटा वो इंग्लैंड है, जब 270-80 पड़े ना तो ऐसी ऐसी जगह से धुएं आएंगे ना कि बेटा रिवार्ड शिवार्ड सब तेरे उधर ही सेटमेट हो जाएंगे। ट्रोल कर रहा बैठ के आईपीएल को, कह रहा है जी आईपीएल को गाद दिखाई है इंग्लैंड ने, पावर है पाकिस्तान क्रिकेट की कि वो कितना सीरियस लेते हैं पाकिस्तान से खेलने को, कि उन्होंने अपनी मेन टीम भेज दिया पाकिस्तान के लिए। बेटा मैं लिख के देता हूं, अगर वो बच्चे भी भेजते ना तो उन्होंने पेल देना था, उनको बस वर्ल्ड कप नजर आ रहा है, उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। सामने युगांडा भी होता तो वो खेलते, बात इतनी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो अपनी मेन टीम भेजी थी ना अभी पाकिस्तान में बच्चे, वो जो पेल गए हैं आपको, मतलब यार ऐसी बात ना किया करो जिसपे मेरा दिमाग खराब हो। भाई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बंदा हूं, मैंने मेरा हर बंदे से एक ही डिबेट है, मैं किसी भी चीज में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, फजूल बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, सीधी बात मैंने करनी है, चाहे किसी को अच्छी लगती है बुरी लगती है, चाहे चढ़े मेरे छनकने पे आके, ठीक है, बात मैंने सीधी करनी है। ये जो मतलब छोड़ दिया करो यार, फजूल बातें करनी छोड़ दिया करो, वो विराट कोहली कहां, बाबर आजम कहां, आईपीएल कहां, इंग्लैंड कहां, पाकिस्तान कहां, मतलब हर बात को मतलब मिला मलू के इंडिया ले लो, व्यूज ले लो, पैसा कमा लो, हाइप क्रिएट कर लो, मेरा दिमाग हमें खराब करोगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।